फिर तो पहला जो जिम्मेदारी है वो क्या पेरेंट्स की बनी, क्योंकि वो बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो उनके हर रवैये को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ही अनअवेयर हैं कि उनकी जो मदद है वो बच्चे को किस हद तक डिपेंडेंट कर देगी हम पे। तो क्या करना चाहिए? इसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आपके असातिज़ा भी हो सकते हैं, आपकी आसपास की एनवायरनमेंट भी हो सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी वजह से पैदा होती है, जो हम मिसिंग कर रहे हैं अब तक की गुफ्तगू में, वो है लो सेल्फ एस्टीम। वो आदमी जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है। वो ऐसे फिक्रे होते हैं जो पहले माँ बाप से मिलते हैं, मेरा बच्चा बहुत भोला है, इसे पता नहीं है ना, इसे शॉपिंग करनी नहीं आती, ये अपना फैसला नहीं कर सकता ना, ये दुकान से चीज़ नहीं ला सकता, मतलब सादा बहुत है। अब आप मुसलसल ऐसे सजेशंस दे रहे हैं जो उसके दिमाग में नक्श हो रहे हैं और वो बच्चा इस चीज, अच्छा कई फैमिलियों में ऐसी ख्वातीन है जिनका नाम बेबी है, उनकी उम्र 60 साल है, उनकी उम्र है 60-65 साल, वो अभी तक बेबी हैं और उनकी हरकतें भी बेबियों वाली ही हैं क्योंकि वो बेबी जो हुई। अच्छा कई 70 साल के बंदे का नाम है भोला, सुना ना आपने? अच्छा अब ये क्या, बहुत भोला था। अच्छा अब ये क्या हो गया, ये आपने मुसलसल गुफ्तगू करके ऐसे सजेशंस दे के आपने उसे लो सेल्फ एस्टीम का शिकार कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी की अपनी नजर में कोई वर्थ नहीं, वो छोटे छोटे फैसले भी नहीं कर सकता, इन एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग की तरफ वो चला जाता है। अब वो कहता है अम्मा जी मेरा ये फैसला कर दो, बहन मेरा ये फैसला कर दो, भाई मेरा ये फैसला कर दो, फिर दोस्त मेरा ये फैसला कर दो। वो सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ना तो उसके अंदर सेल्फ एस्टीम उस लेवल पर होती है जो कामयाब इंसान में होनी चाहिए, ना ही उसने डिसीजन मेकिंग की होती है। आपने वालदैन की बात की, एक छोटा सा फिक्रा बताता हूँ, आप खुद बताइए, आप भी वालदैन में ही हैं, छोटे बच्चे ने कपड़े किसने पहनने, बच्चे ने क्या आपने पेरेंट्स ही पहनाएंगे ना बच्चे को, पहनने किसने हैं बच्चे ने, डिसीजन कौन करता है पेरेंट्स, पढ़ना बच्चे ने क्या आपने, मैंने पढ़ना है बच्चे ने पढ़ना है, बच्चे ने पढ़ना है, डिसीजन कौन करता पेरेंट्स। अच्छा अब बच्चा कॉलेज में चला गया, कैरियर कौन सा चूज करना है, 90% कैरियर बच्चे ने चूज कौन करता है पेरेंट्स, सबसे बड़ा फैसला जिंदगी का शादी, बिल्कुल, है बिल्कुल 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 शादी है, 90% डिसीजन कौन करता है पेरेंट्स। तो आप उसे डिपेंडेंट होने और फिर उसके बाद भी उसके बाद अच्छा, बेगम घर आ, और एक और बड़ी मजे की बात है, मेरा एक स्टूडेंट उसकी उम्र है 36-37 ईयर्स, अच्छा कराटे का स्टूडेंट है, ब्लैक बेल्ट है, वो मुझे आके मुझे कहता है कि सर मैं बड़ा कब आऊंगा, मैंने कहा क्या मतलब, कहते सर मुझे 15 साल जॉब करते हुए हो गए, मेरी शादी को 6 साल हो गए, अब मेरे बेटा हुआ है तो फैमिली वाले कहते हैं कि इसका नाम हम रखेंगे, तेनू की पता ना की रखना है। उसका बेटा हो गया है, शादी को इतना अरसा हो गया, 15 साल से वो शादी कर रहा है, उसे बांध दिया गया कि तुम नहीं, वो माओं का अरसा एक बड़ा कॉमन जुमला है कि ये 60 साल का भी हो जाएगा ना तो ये हमारा बच्चा ही है, ये तो बच्चा ही रहेगा, माँ के लिए तो बच्चा ही होता है, तो ये तो माँ की मोहब्बत है। लेकिन इससे जो रवैये जन्म ले रहे हैं आप देखें ना कि वो क्या हो रहे हैं, अब वो फैसला नहीं कर पा रहा, फिर वो अपने फैसले बच्चों से करवाता है बाद में अपने बच्चों से। तो ये एक प्रॉब्लम जो अपना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो पैदा हो रहा है, इसकी बुनियाद यहाँ से रखी जा रही है, घर से ही शुरू से ही वो शुरू से, फिर स्कूल कॉलेज में काम शुरू हो जाता है, वो सिंपथी लेने के लिए बच्चा फिर ये कर रहा होता है।